में हम लोग के जानकार भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें क्या कहती है संजीव रंजन जी, जो केमिस्ट्री बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री के दिखती है, और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है भारत में और जो भारत का इंटरेस्ट अमेरिका में है, ये तस्वीर क्या उसको बयां करती है? यहां पर ये तस्वीर ये देख के तो जरूर हमें लग रहा है कि अब इंडिया जो है ड्राइविंग फोर्स, जो पहले हम इतिहास में खंगाल के देखे तो अमेरिका का इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज रहा थ्रू आउट द थर्ड वर्ल्ड, जिसको कि हम जेली के लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, या जो है हम लोग डेवलपिंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, एशियन अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। तो ये इंडिया का ये दिखाता है, जहां पर मोदी जी इस तस्वीर में जो जो बाइडेन जी के साथ जो बात करके देखने को ये सिंबल मिल रहा है, ये चिन्हित हो रहा है कि इंडिया ड्राइविंग फोर्स है। और ये सबसे अच्छी पोजीशंस इंडिया के लिए अब बनी है, जहां पर इंडिया अपना असर्ट कर सके ग्लोबल पोजीशंस। प्रोफेसर रजनीश, ये अमेरिका का जो इंटरेस्ट है भारत में कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा आपको लगता है पिछले, क्योंकि 8-9 साल में 5 बार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति आ चुके हैं, ये दिखाता है क्या? ये तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है लेकिन लगातार दौरे हो रहे हैं, ये दिखाता है क्या भारत किस तौर पर आगे बढ़ रहा है? और भारत को अमेरिका की सिर्फ जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी भारत की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरत है। सिर्फ भारत सिर्फ कंज्यूमरिज्म में ही नहीं नंबर वन रह रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ हम कंज्यूमरिज्म में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, हम इनोवेशन में भी बहुत आगे निकल रहे हैं, हम एआई में भी बहुत आगे निकल रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल इनोवेशन जो हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो शायद अमेरिका में भी उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं। अभी जब एक पैनलिस्ट जो बता रहे थे कि दो दो तिहाई लोग जो इकोनॉमीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया में आए हुए हैं, वो लगभग 85% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो शो करते हैं, और उसमें से लगभग 75% जो टोटल जो आपका निर्यात है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर चलता है, तो नेचुरली इंडिया उसमें से बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करता है। और सबसे बड़ी जो चीज है, जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है, तो वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि अब उसके पास यूरोपियन यूनियंस के साथ इतना लिंकअप नहीं रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज है, से जैसे हम जो एकेडमिक जो अगर हम और भी कई एरियाज में देखें, वो इसलिए जुड़ना चाहता है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि यहाँ यहाँ पर जब लोग अडॉप्ट करेंगे उन चीजों को तो उस जल्दी से जल्दी उसमें कनेक्शन बनेगा उससे और उसमें ग्रोथ आएगी। और जो सबसे बड़ी चीज है, इंडिया जब भी कोई चीज के ऊपर ग्रोथ की बात करता है या उसको क्लब करने की कोई बात करता है, तो उसमें इनोवेशन लाने की सबसे पहले कोशिश करता है। और इंडिया के साथ कोलैबोरेट अब हर इकोनॉमी होना चाहती है, सिर्फ अमेरिका नहीं होना चाहती है। आप ब्रिटेन को भी देखिए, इस टाइम पर सबसे ज्यादा वो एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहा है कि वो हमारे साथ जुड़ पाए। यूएई को भी अगर आप देखें इस टाइम पर, वो सबसे ज्यादा एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम उनके साथ जुड़ पाए, ताकि क्योंकि और यूरोपियन यूनियंस के साथ अब उनकी थोड़ी सी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, वो थोड़े वीक हो रहे हैं, तो अमेरिका हमारी तरफ नेचुरली बहुत अच्छे से देख रहा है। पंकज जी, अब जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें जिक्र है हरित विकास समझौते का जिक्र है, ग्रीन डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसका जिक्र होना ही अपने आप में बताता है क्या कि जो तमाम देश हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई आप विकास तो कर लेंगे लेकिन पर्यावरण अगर जरा सा पीछे छूट गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये जो सारे देश जो इकट्ठा हुए हैं, इन सभी देशों में जो 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 लोग यहाँ इकट्ठा है उनको मालूम है कि जिस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड का 80% फॉरेस्ट उनके पास है, तो उसी तरह से उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी भी इनके पास है। मगर एक सच्चाई और है कि वो अभी इसमें शामिल हुए देशों में से 10 ऐसे देश हैं जो टॉप 10 में आते हैं जिनका कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा है। और अभी आप थोड़ी देर पहले भारत के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, तो मैं उसमें ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो वन अर्थ वन फ्यूचर की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये सब देशों को समझ में आ रहा है कि उनके इकोनॉमिक के इकोनॉमिकल ग्रोथ में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इतना बड़ा हो सकता है कि वो उसके पहिए को रोक सकता है। और भारत के इंपॉर्टेंस की जहां तक बात करें, जो अभी आपके जो अन्य गेस्ट जो आपको कह रहे थे, तो देखिए भारत का इंपॉर्टेंस जो है वो बेसिकली आज की डेट में जियोपॉलिटिकल है।
कुछ दिनों से कुछ दिन पहले तक या कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस जियो स्ट्रेटजिक, जो जियो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स होते हैं वो उनके साथ एक सामरिक दृष्टिकोण से उनका एक संबंध होता है, मगर जब जियो पॉलिटिकल अगर आपका संबंध बनता है किसी भी देश के साथ, अमेरिका हो या कोई भी और देश के साथ, खास करके आप अमेरिका की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें उसकी यहाँ की इकोनॉमी, उसका सामरिक दृष्टिकोण और साथ ही साथ उसका आर्थिक दृष्टिकोण, सब कुछ उसके अंदर में आता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त में जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भारत का इम्पोर्टेंस काफी बड़ा है और जिस तरीके से भारत ने एनवायरमेंटल इश्यूज को उठाया है, अब हम लोग इस बात का देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो लास्ट डिक्लेरेशन जो चेन्नई में जो G20 की जो लास्ट समिट हुई है स्पेशली फॉर द एनवायरमेंट, इसमें कि कलेक्टिव एक्शन की बात की गई है, तो अब ये देखना होगा कि ये कलेक्टिव एक्शन किस रूप में लिए जाते हैं, ठीक है, और सारे डिक्लेरेशन पर कैसे अमल होता है। ठीक है राव सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, इस बैठक के बाद G20 के बैठक के बाद, चूंकि हालांकि उससे पहले ही ग्लोबल लीडर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस बैठक के बाद सफल आयोजन के बाद, और भारत उस स्थिति में है कि अब देश दुनिया को वो दे सकता है, सिर्फ लेने वाला देश नहीं रह गया है, भारत दुनिया को कुछ ना कुछ दे रहा है, तो इससे प्रधानमंत्री मोदी का कद और बड़ा हो गया है, बढ़ गया है, पूछ रहे हैं। जी जी बड़ी उपलब्धि एक भारतीय होने के नाते मैं सोचता हूँ, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो बड़ा है लेकिन हिंदी का वैश्वीकरण हुआ है, हिंदी आज एक विश्व भाषा के रूप में पैदा हुई है, विकसित हो रही है। मेरी मातृभाषा तेलुगु है, मैंने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी की 40 साल बंबई में, लेकिन हिंदी का मैं प्रेम करता हूँ। तो इस दिल्ली के अधिवेशन से हिंदी का जो वैश्वीकरण हुआ है कुंदन भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है, दुनिया भर के रिपोर्टर्स आए, हिंदी अखबार पढ़े, जान रहे क्या हो रहा है। मुझे लगता है आज गर्व है कि मैं एक ऐसी भाषा बोल रहा हूँ जो दुनिया की भाषा होने जा रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी के विकास भारत के वृद्धि के साथ। चलिए हिंदी को लेकर के बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात कह रहे हैं के विक्रम राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। G20 की आज पहली बैठक हुई है और